हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज बीएससी फाइनल के लिए आज का टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसकी शुरुआत करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की। तो सर कॉम्पटन ने 1922 में किसी भी पार्टिकल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उसका पार्टिकल नेचर को डिराइव किया था कि आखिर कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइक सनलाइट या एक्सरेज अदर जो गामा रेज होती हैं, है ना, तो इनमें क्या होता है कि एक पार्टिकल नेचर को भी शो करती हैं और वेव नेचर को। तो वैज्ञानिक कॉम्पटन ने तो इसका एक है ना इफेक्ट बताया जिसे आप कॉम्पटन इफेक्ट कह सकते हैं। तो इनके कॉम्पटन इफेक्ट के अनुसार अगर हम देखें कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे है ना जब किसी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है उसमें किसी भी फ्रिक्वेंसी का जब उस पर या हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सरेज ले लेंगे तो जब एक्सरेज का एक फोटॉन जब किसी इलेक्ट्रॉन पे ट्रांजिस्ट होता है ना इंसिडेंट होता है तो क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके डिफरेंट डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लेंथ में जाके डिफरेंट डायरेक्शन को मूव कर जाता है और जो उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी स्कैटर्ड होती है उसे आप स्कैटर्ड फोटॉन और उसकी तो जो आपका स्कैटर्ड फोटॉन है और इंसिडेंट फोटॉन है इनके बीच में जो डिफरेंस आता है वही आपके सर कॉम्पटन ने है ना डिराइव करके निकाला था। जैसे हम जानते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन नाम से जानते हैं या डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ के नाम से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में कि हम कंसीडर करते हैं कि एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन है जिसका एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो अगर उसको हम देखें कि एक एक्स वाई वेक्टर पॉइंट पर क्या है सिचुएटेड है तो जब एक्स डायरेक्शन की ओर कोई भी एक फोटॉन इसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा है और इस फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो हमने यहाँ पे माना ई है। तो जब ये फोटॉन क्या करता है इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है इससे एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। वही जैसे तो क्या करता है ये अब ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। हम यहाँ पे लिया है हमने एक्सरे हमने पहले ही बताया है कि वैज्ञानिक कॉम्पटन ने साइंटिस्ट कॉम्पटन ने किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल नेचर शो किया है। तो पार्टिकल नेचर क्या होता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट को हम आपस में बीच में कोलिजन कराते हैं तो उनके बीच में क्या होता है ना तो आफ्टर कोलिजन बिफोर है ना आफ्टर कोलिजन क्या होता है तो उस पर क्या होता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब कोई फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है ये फोटॉन को क्या करता है ये फोटॉन एनर्जी इसको देता है और ये एनर्जी लेकर एक डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है ना वो डायरेक्शन फॉर एग्जांपल हम मानते हैं एक्स वाई प्लेन की ओर हम मानते हैं कि वो हमारा मूव कर जाता है और जो इससे इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड फोटॉन जो इमिट होता है वो आपका एक डिफरेंट डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है जहां पर इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है लैम्डा डैश हो जाती है। इसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है चेंज हो जाती है क्यों क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी इसने क्या कर दी इस इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफर कर दी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी तो ये भी रेस्ट फॉर्म पर था जैसे ही इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की थी डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे चेंज हो गए। तो मतलब जो इसकी एनर्जी थी जो रेस्ट फॉर्म पर थी या मोमेंटम इसको कहें तो इसकी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो जो अब हमको निकालना है वो लैम्डा और लैम्डा डैश के बीच का डिफरेंस है कि आखिर फोटॉन्स के बीच में ऐसे एनर्जी का डिफरेंस है ना। तो हमने देखा कि जब ये फोटॉन्स था है ना इसकी एनर्जी एचएनएल थी इसकी एनर्जी एचएनएल है ना क्योंकि क्या हुआ इसमें हमने एनर्जी ट्रांसफर की और ये
डिफरेंट डायरेक्शन की ओर फाई एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस के साथ है ना इस डायरेक्शन की ओर मूव कर गया और थीटा एंगल के साथ फोटॉन स्कैटर्ड फोटॉन हमारा क्या कर गया इमिट कर गया। तो इनके बीच का डिफरेंस हमें इस कॉप्टर इफेक्ट में देखने को मिलेगा जो कि होता है h / m0c जहां h आपका प्लैंक कांस्टेंट है और ये m0 आपका इस इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है ना और c क्या है उसकी स्पीड हो जाएगी लाइट की स्पीड हो जाएगी या एक्सेस की स्पीड हो जाएगी और 1 cos थीटा। तो यही है तो कॉप्टर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो फिजिसिस्ट है आपके इन्होंने कोलिजन फोटॉन का पार्टिकल नेचर शो किया है ना इन्होंने ये कहा है कि जब किसी फोटॉन को जब किसी इलेक्ट्रॉन पे बाउंस किया जाता है तो क्या करता है फोटॉन्स अपने एनर्जी को लॉस कर जाता है ना अपनी एनर्जी को क्या करता है लॉस करता है और इसी कोलिजन को आप इलास्टिक कोलिजन के थ्रू समझ कह सकते हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन होता है ना विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द गामा रेडिएशन ठीक है तो यही है और कॉम्प्टन इफेक्ट कॉम्प्टन को 1922 में नोबेल प्राइज मिला था इसी थ्योरी के बेस पर उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था सॉरी 1927 में। तो ये आपको क्या हो गया तो अब इसके लिए देखते हैं क्लेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन हो रहा है तो इनके क्या होगा इनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्वेशन फॉर्म पर होगा मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ को फॉलो करेंगे और जो इनकी एनर्जी भी होगी वो भी क्या होगी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी कि जो एनर्जी बिफोर द कोलिजन थी वही एनर्जी क्या होगी आफ्टर कोलिजन भी होगी। तो आइए देखते हैं तो फर्स्टली वी हैव अराइव्ड from the conservation of the momentum law from the conservation law of momentum तो क्या हो जाएगा तो before the collision is equal to after collision तो आपका before collision क्या हो जाएगा before collision and after collision and collision तो before collision आपकी जो इसकी एनर्जी होगी तो हम अगर ये कहें इसकी एनर्जी हमने बताई क्या है e है इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं फोटॉन्स का p0 और इसकी एनर्जी मान लेते हैं e0 and इसका मोमेंटम क्या मान लेते हैं p0 और इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा है लैम्डा मान लेते हैं फिर क्या होता है जो आपका स्कैटर्ड फोटॉन है स्कैटर्ड फोटॉन की उसकी एनर्जी हम मान लेते हैं p1 है और इसका मोमेंटम मान लेते हैं p1 मान लेते हैं और जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन से मूव कर गया है तो इसका हम एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गई है और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा p ठीक है क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है क्लास पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है और फोटॉन भी आपका पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है इसलिए आप यहां पे इसमें मोमेंटम लेंगे तो क्या हो जाएगा बिफोर द कोलिजन इसका मोमेंटम हो जाएगा p0 एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ मोमेंटम तो आपको देखने को मिल रहा है तो एक p1 हो जाएगा और तो फोटॉन्स का और इसका इलेक्ट्रॉन का तो फोटॉन का जो कोलिजन बनेगा तो वो x डायरेक्शन की ओर हम देख रहे हैं तो x डायरेक्शन पे इसका हो जाएगा p1 cos थीटा है ना जो इसका x फैक्टर होगा वो x डायरेक्शन की ओर होगा इस फोटॉन का जो मोमेंटम होगा वो x डायरेक्शन की ओर p1 cos थीटा होगा सेम एज इस इलेक्ट्रॉन का x डायरेक्शन पे जो मोमेंटम होगा वो इसी तरह है आपका p cos phi एंगल होगा फाई थीटा होगा ठीक है तो मतलब क्या होगा ये x एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल स्कैटर फोटॉन आपका बना रहा है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा p1 cos थीटा एंड प्लस p cos phi ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ठीक क्या होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है ना इसको अगर हम रियलाइज करें तो रियलाइज करेंगे हम देखेंगे हमारा प्राप्त होगा p0 minus p1 cos theta is equal to p cos phi
हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के इसे इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर अब क्या हो रहा है, ये तो हुआ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का। इसी प्रकार अब आपका ये एक्स एक्सिस का था, इसी प्रकार अब आप देखेंगे कि इसका वाई एक्सिस का भी जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम होगा वही बिफोर द कोलिजन एंड द आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस में ये जो एक्स फैक्टर के लिए था, एक्स फैक्टर के लिए सेम एज वाई फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए है ना, वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो जो वाई एक्सिस का बिफोर द कोलिजन इसका जो मोमेंटम हुआ वो तो कुछ हो ही रहा है y एक्सिस में, उसका जो कोलिजन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अर्थात जीरो हो जाएगा। बट आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इस स्कैटर फोटॉन का जो y फैक्टर होगा तो वो होगा वो y डायरेक्शन की ओर होगा, पॉजिटिव y डायरेक्शन की ओर, और ये होगा सॉरी p1 sin थीटा, जो इसका वाई फैक्टर होगा इस स्कैटर्ड फोटॉन का है ना मोमेंटम वो p1 sin थीटा होगा। सेम एज इस इलेक्ट्रॉन का वाई डैश डायरेक्शन की ओर है ना, या नेगेटिव वाई डायरेक्शन की ओर, वाई एक्सिस की ओर, इसका जो मोमेंटम होगा वो p sin थीटा होगा, जो कि नीचे की ओर होगा, जो कि नीचे की ओर होगा। बट ये दोनों के क्या है डिफरेंस, मतलब अपोजिट साइड पे है, तो इनका जो पोजीशन होगा है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो p1 sin थीटा माइनस p sin phi, सॉरी यहां पे phi होगा क्योंकि इसके साथ निकल आपका phi बन रहा है, तो ये phi हो जाएगा। इसको अगर हम रियलाइज करें तो हमारा प्राप्त होगा p1 sin थीटा और इज इक्वल टू p sin phi, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हुआ दिस इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो नाउ तो p0 माइनस p1 cos थीटा का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू p स्क्वायर cos स्क्वायर phi, एंड देन इसको अगर हम सॉल्व करें तो p0 का स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 p0 p0 p1 cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर cos स्क्वायर phi, ये हो जाएगा है ना। इसे इक्वेशन नंबर आप थर्ड दे दीजिए, सेम है इक्वेशन नंबर 4 के लिए, इसको क्या करें इससे इक्वेशन नंबर सेकंड को इसको आप स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा p1 का स्क्वायर एंड sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू p का स्क्वायर और sin स्क्वायर phi, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 देंगे। इक्वेशन थर्ड और 4 को अगर हम प्लस कर दें, इक्वेशन थर्ड और 4 को हम प्लस कर दें तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो नाउ वी गेट अ कंप्लीट मोमेंटम p स्क्वायर है ना। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को प्लस कर दें तो p स्क्वायर cos स्क्वायर phi, p स्क्वायर cos स्क्वायर phi एंड प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर phi इज इक्वल टू, अब आपका ये हो जाएगा p0 का स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर cos स्क्वायर phi सॉरी थीटा थीटा माइनस माइनस ये आपका प्लस में रहेगा माइनस 2p0 एंड p1 cos थीटा, देन वी प्लस प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा ये phi है ना, प्लस p1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर हम देखें ये आपका प्लस हो जाएगा और इसमें से आपका cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा है, पहले हम इसका क्या करेंगे p स्क्वायर है ना कॉमन कर लेंगे, चलिए एक इसके कॉमन कर लेते हैं तो p स्क्वायर अगर हमने कॉमन कर लिया ये हो जाएगा cos स्क्वायर phi एंड प्लस sin स्क्वायर phi, देन p0 का स्क्वायर प्लस p1
P1 का स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया है, इसको इसको लेकर P1 कॉमन कर लिया और ये बचेगा हमारा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा है ना, देन माइनस 2P0 P1 cos थीटा ये बचेगा। तो हम देखेंगे ये हमारा 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, P स्क्वायर इज इक्वल टू P0 प्लस P1 का स्क्वायर माइनस 2P0 एंड P1 cos थीटा यही बचेगा। तो ये आपका कंप्लीट मोमेंट ऑफ P इज इक्वल टू आ गया इक्वेशन नंबर 5 क्लियर। अब इसी प्रकार एनर्जी के लिए चलेंगे, तो एनर्जी के लिए हमें इक्वेशन जो प्राप्त होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की ओर चलेंगे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ एनर्जी क्या हो जाएगा, तो बिफोर कोलिजन एनर्जी, तो आपका बिफोर कोलिजन फोटॉन की जो एनर्जी है वो ई नॉट हो जाएगी, फोटॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी ई नॉट हो जाएगी। फिर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब इस स्कैटर्ड फोटॉन की जो एनर्जी हो गई वो ई जीरो से क्या हो गई चेंज होकर ई नॉट से चेंज होकर ई वन हो गया है ना, और इस पार्टिकल पार्टिकल अर्थात जो इलेक्ट्रॉन हमने लिया है इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो आफ्टर कोलिजन आपकी जो एनर्जी होगी वो होगी ई वन प्लस पी, सॉरी पी जो आपका मोमेंटम है के काइनेटिक एनर्जी क्लियर। फिर अगर हम यहाँ पे ठीक है एक इक्वेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है, बाय डी-कॉग्ली इक्वेशन तो P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एस लैम्डा होता है, P इज इक्वल टू एस लैम्डा डी-कॉग्ली इक्वेशन, तो डी-कॉग्ली इक्वेशन ठीक है। फिर एक और चीज हम देखते हैं कि जो आइंस्टीन का प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक एनर्जी होती है, जो प्लैंक एनर्जी होती है वो क्या होती है h nu होती है, क्या होती है h nu, और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c is equal to वो nu lambda या lambda nu होती है ना। तो अगर हम देखें कि इस ड्रिबॉगली इक्वेशन में दोनों साइड पे mu को मल्टीप्लाई करते हैं तो p is equal to h nu अपॉन लैम्डा न्यू क्लियर। तो आपकी जो एनर्जी वाला एच न्यू होगा वहां पे ई आ जाएगा और सी इज इक्वल टू यू हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, पी इज इक्वल टू प्राप्त होगा हमारा ई अपॉन सी। नाउ तो ई इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा मोमेंटम और मल्टीप्लाइड सॉरी मोमेंटम मल्टीप्लाइड स्पीड ऑफ लाइट। तो यही चीज अब आप यहाँ पे E0 और E1 की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं तो हो जाएगा E0 के लिए आपका मोमेंटम हो जाएगा तो वो हो जाएगा P0C, यह एक बार इसको रीअरेंज कर लेते हैं E0 माइनस E1 इज इक्वल टू K क्लियर। नाउ P0C माइनस P1 C is equal to K. Now C common कर लिया हमने P0 minus P1 is equal to K. तो P0 minus P1 is equal to क्या प्राप्त हो जाएगा हमें K upon C, जिसे आप equation number 6 दे सकते हैं या equation number 6 इसे दे दीजिए और इसे equation number 7 दे दीजिए clear। अब चलते हैं अब एक को आपको रिलेटिविटी के एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है अब एक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो टोटल अभी इनके बीच में जो एक रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो होती है किसमें
इस फोटॉन वाले पार्टिकल के मोमेंटम में, एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में या पार्टिकल के मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन का इक्वेशन हम जानते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि दैट e स्क्वायर इज इक्वल टू m0 square c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, है ना, जहां पे m नॉट आपका क्या है, m नॉट आपका उस रेस्ट मास, रेस्ट इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है m0, जो कि एनर्जी लेने के बाद इसका जो मास हो जाता है वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो जो इनके बीच में जब कोलिजन हो रहा होता है तो जो एनर्जी का, है ना, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी बनेगी वो होगी e स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 p स्क्वायर c स्क्वायर, जहां पे c आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, एंड p आपका क्या है, मोमेंटम है। तो ठीक है, और यहां पे देखते हैं जब एनर्जी जो होती है, ये तो फोटॉन की एनर्जी और साथ में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो काइनेटिक फॉर्म में बदलने वाली है, और इस इलेक्ट्रॉन के फोटॉन की एनर्जी जो आपकी प्रेजेंट टाइम पर है, तो प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी बनेगी इस फोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन की, वो दोनों का समेशन क्या कहलाएगा आपका, वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहलाएगी। तो अगर हम फोटॉन की एनर्जी देखें जो कि क्या है आपका e नॉट, तो फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, वो m नॉट c स्क्वायर, एंड सेम एज जो पार्टिकल की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में रहेगी, तो वो हो जाएगा यहाँ पर k प्लस m नॉट c स्क्वायर। क्लियर, ये आपका टोटल एनर्जी का, जब इस टाइम पे ये इंटरैक्ट कर रहे होंगे तब उस टाइम की जो टोटल एनर्जी होगी, जो स्ट्रेंथ होने वाली होगी काइनेटिक एनर्जी पे और उस पार्टिकल की एनर्जी और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। क्लियर, अब ये हो जाएगा m0 का स्क्वायर c की पावर 4 p स्क्वायर और c स्क्वायर। यहां पे हम लिख लेंगे थोड़ी सी कि आपका रिलेटिविटी, रिलेटिविटी स्टिक एनर्जी है इसका पार्टिकल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल, है ना। तो ये अब इसको हम ओपन कर लें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एम जीरो का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 k m0 c, 2 k m0 c स्क्वायर, है ना, m0 हो जाएगा और इज इक्वल टू m0 का स्क्वायर या m0 का स्क्वायर c की पावर 4 p स्क्वायर c स्क्वायर। इसको इरेज करते हैं, हालांकि हमें इस इक्वेशन की जरूरत है, देखेंगे ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि m नॉट c स्क्वायर ये आपका दोनों क्या है, वैल्यूज इक्वल है, सेम है, ये कट जाएगा और k स्क्वायर के प्लेस पर, k स्क्वायर के प्लेस पर हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, है ना। तो k इज इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 7 से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू c p0 p नॉट माइनस p1, तो k के प्लेस पर हो जाएगा p0 माइनस p1 का होल स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस 2k m0 c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर, फिर क्या होगा, इस k के प्लेस पर, इस k के प्लेस पर हम पुनः ये रख सकते हैं, या फिर ऐसा करें एक सेकंड, है ना, पहले इसको लिख लेते हैं k स्क्वायर प्लस 2k m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अगर c स्क्वायर का इस इक्वेशंस में, है ना, डिवाइड कर दें ये हो जाएगा c स्क्वायर, है ना, और ये c स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे तो बचेगा
आपका k square upon c square plus 2k m naught is equal to c square, है ना। अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, k upon c square is equal to p naught minus p1 हो जाएगा और full square plus 2k, k के प्लेस पर हो जाएगा p naught minus p1 c m naught is equal to p square, क्लियर। इसको रेस कर देते हैं, फिर देखिए अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये होगा p naught का स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर प्लस 2p0 p1 प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, k था तो k की वैल्यू आपका ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p0 m not c इक्वेशन नंबर आपका p स्क्वायर का कुछ इक्वेशन नंबर आया रहा होगा, इक्वेशन नंबर में भी आई थिंक इक्वेशन नंबर 5 है ना, इक्वेशन नंबर 5 कुछ आया होगा, तो उसको है ना वो वाला p स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 एक रहा होगा जो कि आया होगा आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका, हाँ इक्वेशन नंबर 5 आपका था p नॉट का स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर माइनस 2p नॉट p1 cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर, एक क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में p और ये इक्वेशन नंबर आपका नेक्स्ट चलेगा ये भी सेम, है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 से आपकी वैल्यू p स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 7 पे है ना कंपेयर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, और इसको साथ में ओपन कर दिलाएंगे तो p0 का स्क्वायर और p1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2p0 p1 और प्लस ये वाला 2p0 माइनस p1 m0 c is equal to p naught square वही p square की वैल्यू करते हैं इक्वेशन नंबर 5 से and plus p1 का square minus 2p naught p1 cos theta, तो आप देख रहे हैं इक्वल के दोनों साइड पे p naught square p naught square p1 square and p1 square, तो अगर हम इस इक्वेशंस को रीअरेंज करें इसको ऊपर वाले मिटा देते हैं, है ना। अगर इसको हम रियलाइज करें तो हमारा कुछ ऐसे प्राप्त होगा माइनस टू पी नॉट पी वन प्लस टू पी नॉट माइनस पी वन एम जीरो सी इज इक्वल टू माइनस टू पी नॉट पी वन कॉस थीटा, यही बचेगा। तो p नॉट एंड p1 को हम इक्वल टू साइड पे कर देते हैं तो हो जाएगा 2p नॉट माइनस p1 m0 c इज इक्वल टू, है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2p नॉट p1 माइनस 2p नॉट p1 cos थीटा, क्लियर। अगर हम दो ये जो 2 है
सभी में से कॉमन कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन होके कट जाएगा, ठीक है, कॉमन होके क्या होगा, कट जाएगा। तो ये चीज हो गया। और ये आ गया आपका P0 माइनस P1 M0 C इज इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं P0 P1 भी कॉमन है, तो P0 हम क्या कर लेते हैं, P1 ये भी कॉमन कर लेते हैं और आ जाता है आपका माइनस cos थीटा। क्लियर, P0 P1 को इस तरह पे इक्वल लेंगे, इक्वल के एक साइड पे ला लेंगे तो हो जाएगा P0 अपॉन P1, तो P0 P1 और इस M0C को इक्वल के उस साइड पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन M0C और ये 1 माइनस cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको मैंने पहले एक इक्वेशन बताया था, वो कुछ ऐसा था ड्रॉगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू ड्रॉगली इक्वेशन, तो लैम्डा एच अपॉन लैम्डा यही है, जहां पे एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है और लैम्डा आपका है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एक्स रेस की वेवलेंथ है, तो पी के प्लेस पर हम ये रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज देखते हैं, जहां पे जब आपका मोमेंटम पी नॉट है, जब आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आपका पी नॉट है, तो प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, और जो लैम्डा है वो लैम्डा आपका क्या है, बिफोर कोलिजन अब आपका लैम्डा ही है, तो यहां पे हमने इसको लैम्डा ही ले दिया। फिर जब आपका आफ्टर कोलिजन जो इसका मोमेंटम होगा इस स्कैटर्ड फोटॉन्स का है, तो आपका क्या हो जाएगा, P1 है, तो आपका जो प्लैंक कांस्टेंट है वो एच ही रहेगा, बट इस टाइम पे लैम्डा जो आपका है वो स्कैटर्ड फोटॉन का इस वेवलेंथ में आएगा, जो कि वेवलेंथ आपका क्या है, लैम्डा डैश है। तो यही हम इक्वेशन वैल्यूज को पुट करेंगे, पर उससे पहले हम एक है ना एक प्रोसेस और कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को अलग कर लेंगे P0 माइनस P1 को, ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा 1 अपॉन P1 माइनस 1 अपॉन P0 आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन M0C और ये 1 माइनस cos थीटा। क्लियर, फिर क्या, अब आप देखिए, तो जो अब इस P1 और P0 की वैल्यू को पुट करेंगे हमारा क्या होगा, है ना, यहाँ पे h अपॉन लैम्डा और h अपॉन लैम्डा सॉरी h अपॉन लैम्डा डैश और ठीक है, तो ये हो जाएगा लग दिया जाए तो आएगा h अपॉन लैम्डा डैश और माइनस 1 अपॉन सॉरी h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन m0c 1 माइनस cos थीटा। यस कॉमन कर लेंगे एजिमा ने कहा जल्दी जल्दी वो मिलता है सही बात है। देखिएगा अब इस P0 की वैल्यू s अपॉन लैम्डा हम यहां पे रखेंगे 1 अपॉन P1 की वैल्यू हो जाएगी s अपॉन लैम्डा डैश माइनस 1 अपॉन h अपॉन लैम्डा। क्लियर, f is equal to 1 upon m0c 1 minus cos theta, ठीक है। अब इसको ये आपका है ना हां पढ़ जाएगा तो lambda dash upon h minus lambda upon h is equal to 1 minus m upon है ना m not upon array 1 upon m0c और ये 1 minus cos cos theta, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अब ये h क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे तो ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है ना अपॉन h इज इक्वल टू 1 माइनस m0c एंड 1 माइनस cos theta, ठीक है।
ये हो जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी एंड वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसी को आप डेल लैम्डा भी कह सकते हैं। ये क्या है, स्कैटर्ड लाइट का फोटॉन और इंसिडेंट लाइट का जो इंसिडेंट एक्सप्रेस है उसका फोटॉन, एंड उनके बीच को जो डिफरेंस होता है वो लैम्डा डेल लैम्डा भी कह सकते हैं, है ना। और ये h इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos थीटा, क्लियर। यही आपको प्रूव करना था और यही आपका क्वांटम शिफ्ट इक्वेशन कहलाएगा, क्लियर। फिर अब आप यहां पे देख सकते हैं जो कि जहां पे लैम्डा c, अब एक और चीज देख ले, अब एक लैम्डा सी कुछ करके आएगा जो कि आगे आपको दिखेगा। इसके बाद ये है कुछ इस तरह से, अगर हम इस एच अपॉन एम नॉट सी को लैम्डा डैश लैम्डा सी मान लें, है ना, लेकिन सपोज है ना एच अपॉन एम नॉट सी को हमने लैम्डा सी मान लिया, तो लैम्डा सी इकोनॉमिक इक्वेशन डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन ओहो लैम्डा सी 1 minus cos theta. Here lambda c is a quantum wavelength. Here lambda c is a quantum wavelength. Quantum wavelength. ठीक है, जबकि इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है, वो कुछ नहीं होती है। अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो लैम्डा सी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी, तो आपका प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है 6.67 इनटू 10 to the power minus 34 और मास आपका यहां पे इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा आपका 9 into 10 to the power minus 31, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई सी क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 into 10 to the power 8 होगी। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो कुछ लैम्डा सी इज इक्वल टू आएगा जो कि इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.246 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो इसके और इसके वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका, या है ना, वेवलेंथ क्वांटम वेवलेंथ कहलाएगा, वो उसकी वैल्यू होगी 0.246 एंगस्ट्रॉम। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये पिछला टॉपिक था जिसमें से कुछ इसमें पोर्शंस रह गए थे, इसलिए आज मुझे इसे दोबारा करना पड़ा।